जोशीमठ आपदा का निरीक्षण कर लौटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पहले हुए सर्वे में गड़बड़ी हो गई, लेकिन अब हमारा कर्तव्य लोगों को बचाने का है। पहली प्राथमिकता लोगों के पुनर्वास और उनके मुआवजे की है, जिस पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। ऐसे दुख की घड़ी में पूरी सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। वहीं मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं, इसलिए लगातार ऐसी आपदाएँ आ रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ आपदा की गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक बात पर कोई एक बोलेगा, कोई दूसरा बोलेगा, चलो माना गलती हो गई, लेकिन रेमेडी क्या है? आज इस समय तो कोई रेमेडी नहीं है, इस समय तो बचाना पहला कर्तव्य है। इसलिए इस समय हर व्यक्ति को बचाना और जोशीमठ को बचाना पहला कर्तव्य हमारी सरकार का है। माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हों, जगह जगह की पल पल की खबर ले रहे हों, यहाँ का अंतर्मन यही कह रहा था उत्तराखंड का कि सभी कच्चे पहाड़ों की सर्वे कराएं। प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत जो है वहाँ सर्वे की टीम भेजी है, SDRF की टीम भेजी है, जल संसाधन मंत्रालय की टीम वहाँ पे भेजी है। मुख्यमंत्री जी तुरंत वहाँ गए हैं, मैं भी सीधे वहाँ गया, और सर्वे रिपोर्ट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आ जाएगी। पूरी सर्वे वहाँ की हो गई है और जो भी सर्वे कहेगा उस पर सरकार निर्भर करेगी कि वहाँ करना क्या है।